राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय कार्तिक मास चल रहा है और आप सब जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास की विशेष महत्ता है। सभी माह में कार्तिक मास को ही विशेष महत्व दिया गया है। इस माह में स्नान और दान की विशेष महत्ता है। बताया गया है कि कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए, हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए और दान करना चाहिए। और इस माह में हरि नाम की भी बहुत महत्ता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में हमें प्रतिदिन श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के आगे दीप प्रज्वलित करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का वंदन करना चाहिए। इस माह में हम स्नान दान के द्वारा बहुत से पुण्य एकत्रित कर सकते हैं और अपने सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं। कार्तिक मास में दान करने का विशेष महत्व है और इस माह में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमें इस मास में स्नान दान आदि करना चाहिए और हमें संध्या के समय दीप दान भी करना चाहिए। कार्तिक माह में किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए, इससे अक्षय फल प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। साथ ही जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कार्तिक मास दीपदान और प्रकाश पर्व के लिए जाना जाता है। इस माह में दीपदान करना बेहद शुभ होता है। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद पवित्र नदी में दीपक जलाकर प्रवाहित करें और भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर दीप जलाएं। इससे व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी हो सकती हैं। कार्तिक मास में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवला दान करना चाहिए। आंवला दान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है और सभी कष्टों से भी छुटकारा मिल सकता है। इससे भगवान विष्णु के आशीर्वाद की भी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए हमें आंवला दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। तो आज हमने आपको बताया कि कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या दान करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।